नर्मदे हर 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 महादेव, हर घर महादेव। दोस्तों, आज का यह मेरा जो वीडियो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि घर में हम नर्मदेश्वर शिवलिंग ही क्यों स्थापित करें। दुनिया भर में कई प्रकार के शिवलिंग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें सभी में दिव्य, सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण शिवलिंग नर्मदेश्वर ही क्यों होते हैं। तो साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग संबंधित कुछ चर्चा करूं तो आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाए एवं इस प्रकार के मां नर्मदा जी के दर्शन भी हो जाए। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में आज चर्चा जो करनी है वो चालू करते हैं हम। दोस्तों, कहते हैं कि घर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग ही क्यों स्थापित करें, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या लाभ है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग ही स्थापित करें। तो दोस्तों, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग क्यों रखें। तो पहला कारण है कि यह शिवलिंग, जी हाँ साथियों, इस प्रकार के शिवलिंग माँ नर्मदा जी के तट से पाए जाते हैं। माँ नर्मदा भगवान शंकर की वरद पुत्री है और भगवान शंकर का स्वयं माँ नर्मदा जी को वरदान है कि माँ नर्मदा का हर एक कंकड़ में भगवान शंकर विराजमान होंगे। एक तो यह कारण हो गया। दूसरा कारण, माँ नर्मदा जी के जो शिवलिंग होते हैं वह सिद्ध होते हैं। जी हाँ साथियों, माँ नर्मदा जी के जितने भी शिवलिंग होते हैं वह स्वयं सिद्ध होते हैं। सिद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि यह माँ नर्मदा जी के जल में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष तक माँ नर्मदा जी के जल में डूबे रहते हैं और डूबे रहने की वजह से इनका नित्य जल अभिषेक होता है। जल अभिषेक होने की वजह से यह सिद्ध शिवलिंग हो जाते हैं। और फिर तीसरा कारण यह है कि यह स्वयं जागृत होते हैं। इनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, इनमें स्वयं में प्राण होते हैं, ये स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। इनको आप अपने घर में बड़ी आसानी से स्थापित कर सकते हो एवं इनकी पूजा कर सकते हो। चौथा कारण, भगवान नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा मैया का जो शिवलिंग है वह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है दोस्तों कि जिनको हम नैवेद्य चढ़ाएं या इनका भोग लगाएं तो इनका जो प्रसाद होता है वह सभी हम आमजन ग्रहण कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, और दुनिया का कोई भी ऐसा शिवलिंग नहीं है जिनको हम आमजन जिनका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उनके प्रसाद पर सिर्फ उनके जो गण होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो बैरागी होते हैं, उनका ही अधिकार होता है। और पांचवा कारण कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को अगर आप अपने घर में स्थापित करते हो तो आपके मन से डर और भय दोनों समाप्त हो जाएंगे। हाँ साथियों, इस प्रकार के इनके कारण हैं और इनके लाभ हैं। तो इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि यम ब्राह्मण देवता हमें प्रेरित करते हैं कि अगर घर में आप किसी भी प्रकार के शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हो तो आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की ही स्थापना करें, घर में करें या मंदिर में करें, क्योंकि यह एक जागृत चीज होती है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता होती है कि हमारे ईश्वर कण कण में विराजमान होते हैं। हाँ साथियों, यह बात भी सत्य है, हमारे ईश्वर कण कण में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ कण ऐसे होते हैं जो जागृत होते हैं।
और इन प्रकार के जागृत शिवलिंगों की हमें पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे शीघ्र ही इन हमारी पूजा का हमें फल मिले और लाभ मिले। दोस्तों, अगर आप अन्य प्रकार के या अन्य धातु के शिवलिंग लेते हो तो उनको जागृत करने में टाइम लगता है, समय लगता है, और इस प्रकार के शिवलिंग नर्मदा जी के जो ओरिजिनल शिवलिंग होते हैं ये जागृत होते हैं। इनको आप जैसे ही पूजा पाठ अपने चालू करोगे कि यह जागृत हो जाएंगे। इसीलिए तो बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, विद्वान पंडित भी हमें प्रेरित करते हैं कि अगर आप घर में या मंदिर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हो तो माँ नर्मदा जी का ही कीजिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरी यह जो जानकारी है इससे आप प्रेरित होकर आने वाले श्रावण मास में अपने घर में या अपने घर के आसपास में भी अगर शिव मंदिर बन रहा होगा तो वहाँ पर आप चर्चा करोगे कि भाई अगर शिवलिंग स्थापित करना है तो माँ नर्मदा जी का ही शिवलिंग स्थापित करें। हाँ दोस्तों, इसी कामना के साथ मैं आप सभी मित्रों से विदाई लेता हूँ, जो मेरे इस वाणी को विराम देता हूँ और मेरे इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। हर हर महादेव, हर घर महादेव। ओम नमः शिवाय साथियों।